शिक्षक बीपीएससी परीक्षा आज से शुरू हो गई। सुबह से ही छात्र अपने अपने परीक्षा सेंटर पर पहुंचने लगे। सुबह से ही छात्रों की लंबी कतार देखने को मिली। मेटल डिटेक्टर की जांच के बाद आधार कार्ड मिलान उपरांत जूता खुलवाया गया। ऑनलाइन हाजिरी लगवाई गई। जिले में कुल 46 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 29,000 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। परीक्षा केंद्र में प्रथम प्रवेश पाली 10 बजे से प्रारंभ हुआ एवं 9 बजे के बाद किसी भी हाल में प्रवेश करने नहीं दिया गया। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं परीक्षा केंद्र के आसपास 500 गज की परिधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रही। कदाचार करते पाए जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थियों ने कहा कि सिलेबस के अंदर का क्वेश्चन था और क्वेश्चन ठीक था। एग्जाम हो रहा है, क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन इजी ही था, ज़्यादा उतना हार्ड नहीं था, लेकिन पढ़ने का ज़रूरत है, जो पढ़ेगा वही निकाल पाएगा। जी, कैसा था क्वेश्चन? ठीक था, जैसा का कोशिश था, उम्मीद था, वैसा ही ठीक था। पहली बार भी कैसे एग्जाम लिया जाए? जी जी जी, हाँ पहली बार लिया जा रहा है। बाहर था क्वेश्चन? ना, सिलेबस के अंदर ही। भागलपुर के नाथनगर चौक पर गोलीबारी की घटना सामने आई। जमीन विवाद में अपराधी ने डीलर को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना ललमटिया थाना क्षेत्र के नाथनगर चौक के समीप इलेक्ट्रॉनिक दुकान की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जख्मी डीलर भतोरिया गांव निवासी दयानंद यादव को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर ललमटिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल के पास से एक जिंदा कारतूस बरामद किया। जख्मी दयानंद ने बताया कि शाम के समय इलेक्ट्रॉनिक दुकान में पंखा ठीक कराने गया था। आधा घंटा बाद एक अपराधी आया और गोली मारकर फरार हो गया। दयानंद यादव ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों से 2 साल से जमीन विवाद चल रहा है। साल भर पहले ही भतोरिया रोड में अपराधियों ने गोली चलाई थी। इस घटना में बाल बाल बच गया था। उस मामले में मधुसूदनपुर थाने में गांव के कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अब दोबारा जानलेवा हमला किया गया है। वहीं बता दें कि घटना के आधा घंटा बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची थी। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। हालांकि अब तक अपराधी की पहचान नहीं हो पाई है। कैसे? हम सर पंखा ठीक करा रहे थे ऑरेंज के दुकान में, दक्षिण वो बैठे थे रोड से दक्षिण, और पीछे से जैसे वो माथा में गोली लगा हम गिर गए। दुकानदार दो को बाहर में बैठा हुआ था, एक अंदर में पंखा ठीक कर रहे थे। वो लोग अध्यक्ष वो हम उठ के भागे थाना, थाना वहाँ नहीं थे, आदमियों को घेर लिया। तब फिर आदमी थाना से गया, वो मोटरसाइकिल मरा हुआ, वो बैठा के उनको थाना लाया। कहने कहने गोली मार लिया। जमीन का विवादी है सर। कौन लगते हैं? विवादी है मुस्लिम से सर। की नाम से? उसको अनवर उर्फ छंगूरी, इब्राहिम इब्राहिम, तीन भाई है, सुनते एक भाई जेल में है। एक और एक साल पहले गोली मारा था बाईपास में, तो गोली नहीं लगा था। मेरा नाम दयानंद यादव है सर। हो गया बस। आपकी रक्षाबंधन को खास बनाने के लिए लुक सलोन भागलपुर है तैयार। इस रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करें लुक सलोन के साथ, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सलोन श्रृंखला लुक सलोन, जिसका स्टोर अब भागलपुर में भी खुल चुका है, में मिल रही है भारी छूट और बम्पर ऑफर। जी हां, हमारे स्टोर पर सभी प्रकार की सर्विस पर मिल रही है पूरे 20% की भारी छूट। साथ ही हमारे स्टोर पर मिल रही है कॉम्बो ऑफर की भरमार। जी हां, जेंट्स के लिए 650 रूपए में मिलने वाली हेयर कट्स और बॉडी मसाज मात्र 455 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला क्लीन अप और डिटेन मात्र 1650 रूपए में, 1900 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और हेयर कट मात्र 1330 रूपए में, 1600 रूपए में मिलने वाला हेयर कट बियर्ड और डिटेन मात्र 1120 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और डिटेन मात्र 1750 रूपए में। साथ ही फीमेल के लिए 850 रूपए में मिलने वाला हेयर कट और बॉडी मसाज मात्र 595 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला क्लीन अप और डिटेन मात्र 1650 रूपए में, 2100 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और हेयर कट मात्र 1470 रूपए में,
2500 रुपए में मिलने वाला हेयर स्पा और D10 मात्र 1750 रुपए में। मतलब लुक्स सलोन के साथ अभी रक्षा बंधन होगा सबसे खास, तो अभी हमारे स्टोर पर आए और बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है लुक्स सलोन, डॉक्टर RP रोड, खलीफाबाग, नियर बिग शॉप, भागलपुर। सुल्तानगंज के मुरारका कॉलेज के समीप रेलवे फाटक के पास दबंग अपराधियों ने बरबिल्ला के रहने वाले मंटू मांझी को पीट पीट कर हत्या कर गड्ढे में फेंक दिया। वहीं इस मामले में मृतक मंटू मांझी की मां मख्या देवी और साला मैनी मांझी ने बताया कि गांव के धर्मेंद्र यादव एवं इनके दोस्त सकलदेव कुमार घर पर आकर मंटू मांझी को साथ ले गए थे। मंटू मांझी घर वापस नहीं लौटा, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि मुरारका कॉलेज के समीप रेलवे फाटक के पास मंटू मांझी की पीट पीट कर हत्या कर उसे गड्ढे में फेंक दिया गया है। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस दल बल के साथ परिजनों को लेकर घटनास्थल पर पहुंची। मृतक मंटू मांझी की सब को पुलिस अपने कब्जे में करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई में जुट गई। वहीं एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर घटना के बारे में जानकारी लेते हुए सब को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया गया। मंटू मांझी की हत्या करने वालों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न जगहों में छापेमारी की जा रही है। वहीं इस मामले में थाना अध्यक्ष प्रियरंजन कुमार ने बताया कि मंटू मांझी की हत्या हुई है। परिजनों के द्वारा फर्द बयान के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लेते हुए हत्या करने वालों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल देखा जा रहा है। कौन ले गया बुला के? धर्मिंद्रा नाम रहे, सकला दू गो एलन बेटा ले गए, बोला खाना हमारे कर ले रह गए, उठा बोला ले गए बेटा। किसको ले गया बुला के? हमरा बेटा के। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? मंटू मांझी। उसी को लेके गया? कहाँ लेके गया? लेला चल गए, लेकर के चाचा यहाँ अपन चाचा बोल के चाचा बोल के सब दिन बोलबे रहे कि हमारे बेटा के लिए जेते मारिए देते बेटा। मार दिया है? मार दल। क्या चीज से मारा है? अब कसम मार लगे, पानी गोद गोद के मार लगे, गोद गोद के मार लगे, इसका लग सब तोड़ दल के मर गया, सब को लग गुरा दल के गोल हाथ तोड़ के मार दिए। ये गुमटी के पास रेलवे फाटक। हाँ, जो दबलवाना है। हाँ, वजह क्या? क्या चीज से मारा है लोगों को? दाब के मारा है? क्या मारा? हाथों तोड़ दिया है। वो हमारे गमछी खोल कर मारा है। क्या नाम है इसका? खसारे मंटू। मार दिया उसको। मंटू क्या है? मंटू मांझी। दादा मांझी। मंटू मांझी। पिता क्या नाम है? महावीर। आप कौन है? उनका हमारा जीजा। कब कब जो हुआ ये घटना? 10 बजे रात में बोलो उठा के ले बाबू। 10 बजे रात में पीरपैंती थाना क्षेत्र के हरिनकोल पंचायत के इमाम नगर स्थित एक झाड़ी में एक महिला को बिना कपड़े के बेहोश हालत में गांव वालों ने देखा। महिला की पहचान इमाम नगर निवासी रूपक कुमार शाह की पत्नी पूजा कुमारी के रूप में हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पता चला कि पूजा शाम 7 बजे अपने घर से झाड़ी की तरफ शौच के लिए निकली थी। घर में सिर्फ पति और पत्नी ही थे। देर रात पूजा घर नहीं लौटी, जिसके बाद आसपास व पड़ोस में खोजबीन किया गया, लेकिन देर रात वो नहीं मिली। रात को ही गुमशुदा होने की सूचना पीरपैंती थाना अध्यक्ष को दी गई, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिलने पर पीड़िता के पति घर वापस आ गए। वहीं गांव की महिला दूसरे दिन सुबह जब झाड़ी के पास गई तो उसने देखा कि वहां एक महिला पड़ी है, जिसके शरीर पर कपड़े नहीं है और वो बेहोशी की हालत में है। हल्ला गुल्ला होने पर आसपास के लोग व उनके दूर के परिजनों ने पूजा कुमारी के रूप में उसकी पहचान की। घटना देख पति पीरपैंती थाना पहुंचा और जाकर लिखित सूचना भी दिया, परंतु दिन के 12 बजे तक पीरपैंती थाना अध्यक्ष नहीं पहुंचे। गांव के लोगों को जब घटना की जानकारी मिली तो कहलगांव SDPO शिवानंद सिंह को दिया गया, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीरपैंती थाना अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद व पुलिस व निरीक्षक नंदनी कुमारी को घटनास्थल पर भेज पीड़ित महिला को रेफर अस्पताल भिजवाया। वहीं नंदनी कुमारी देर शाम तक अकेले ही पीड़ित महिला के साथ अस्पताल में मौजूद रही। चिकित्सकों ने महिला की गंभीर स्थिति देख मायागंज रेफर कर दिया। मौके पर SDPO शिवनंद सिंह भी पीड़िता से मिलने पहुंचे। बेहोश होने के कारण महिला से कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई। वहीं SDPO शिवनंद सिंह ने मुख्य आरोपी सिंटू यादव को गिरफ्तार कर कई बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है। घटना कहाँ पर हुआ है? घटना तो बोल रहा है कि इधर हुआ था। क्या नहीं, इधर इस जगह का क्या नाम है? शीतला माथा। शीतला माथा। कौन है यहाँ पे? किस कौन घायल हुई है? तो बता रही है कि गांव का है। अच्छा। औरत है? औरत है। अभी तो हमारे वहाँ का जो पंच है वो तो फोन की थी, तो हम डायरेक्ट यहाँ आए जी। स्थिति को जान रहे हैं। थाना अध्यक्ष महोदय से बात हुई,
जी। बोले कि इसमें संलिप्त जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त। सुल्तानगंज के भीरखुर्द पंचायत में गांव के दबंगों ने पंचायत समिति सदस्य एवं उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला किया। वहीं पंचायत समिति सदस्य सुधीर सिंह एवं इनकी पत्नी ललिता देवी ने बताया कि गांव के दबंग निभा देवी, पति स्वर्गीय सुंदरलाल मंडल, इनकी पुत्री सुमन कुमार, पुत्र रंजन कुमार के द्वारा हथियार दिखाकर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और हथियार दिखाकर मारपीट करते हुए 5,000 रुपए कैश, सोने का चैन, सोने की अंगूठी की छिनतई कर ली और जानलेवा हमला किया, जिससे वो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से रेफर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति देखते हुए मायागंज रेफर कर दिया। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और घटना की छानबीन में जुट गई। हम जब बाहर से घर आए तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा था। जैसे घर आए निमा देवी पति सुंदर मल्लर, उसका बेटी सुमन देवी, उसका पुत्र रंजन कुमार, सब ने हथियार दिखा करके हमारे ऊपर हमला कर दिया। क्यों किया हमला? जमीन विवाद है, नौकरी करावे, अपना काम करे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक ना? तो अपना जमीन नौकरी करे, अपना काम करे, उससे हमको कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन खामखा जो है और लोगों के गिरफ्त ना करके ऐसा काम करता है, दबंग औरत है और गलत लोगों से उसका संपर्क है, हिटलरशाही करता है। क्या मांग किया आज है? क्या मांग किया उन लोगों? अविलंब करवाए कर उसको गिरफ्तार कर उसको कौन ही करवाया किया जाए। क्या मांग किया उन लोगों ने आज? आज जो है कहा 10 लाख टका दो, जान से मार देंगे। क्या क्या लिया आपका? हमारा सोना चेन ले लिया, 5,000 टका ले लिया थैली से और क्या लेगा, मोबाइल लिया था, मिल गया। सोना चाहिए